प्रणाम, मैं सत्य, आप देख रहे हैं सत्य पर रेव चैनल। आज की खास खबर हमारे मनोरंजन की दुनिया में ये है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, कि एक्ट्रेस कंगना राउत फिलहाल अपनी अपने धाकड़ पिक्चर की शूटिंग उन्होंने ख़त्म किए और काफ़ी एकदम मेहनत किए थे, नाइट शिफ्ट तक किए थे और 14-14 घंटे तक उन्होंने काम किए थे, जिसके चलते अभी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए अपने अगले पिक्चर का रिलीज डेट। जी हाँ दोस्तों, तलावी पिक्चर जो है पैन इंडिया मूवी है, दरअसल ये पिक्चर जो है हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ होने वाला है और इस पिक्चर का डेट उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए 23 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 23 अप्रैल को सिर्फ उनकी पिक्चर नहीं बल्कि दो पिक्चरों उसी दिन क्लैश होने वाली है। उनके लिए क्लैश करने के लिए और एक पिक्चर है, वो है बंटी बबली 2। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये पिक्चर जो है उसी दिन रिलीज़ होने वाली है 23 अप्रैल को ही, जिसके चलते दोनों मूवी का क्लैश होने वाला है। भले कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है पर वाकई बड़े बड़े एक्टर्स इसमें एक्टिंग करते नजर आएंगे, देखेंगे कि आखिर कौन सा पिक्चर सबसे ज़्यादा चलता है। जी हाँ दोस्तों, और लोगों को क्या पसंद आता है। अगली खास खबर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे एक्टर अमिताभ बच्चन और भूमि ईरानी और अनुपम खेर, तीनों बड़े स्टार एक ही पिक्चर में आपको एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऑन चाय नाम का एक पिक्चर जो है शूटिंग शुरू करने वाला है, जिसमें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है और सीनियर सिटीजन दोनों एक दोस्तों के फ्रेंडशिप, जो बचपन की फ्रेंडशिप है, जो काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं और अपने यादें जो बांटते हैं, उस तरह का एक फ्रेंडशिप वाली एक पिक्चर जो है शूट करने वाले हैं, जिसमें आपको तीन बड़े एक्टर्स एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे एक्ट्रेस करीना कपूर खान, जिन्होंने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे के जन्म दिए, इसके चलते काफ़ी मीडिया वालों ने उनकी फ़ोटोज़ लेने की काफ़ी कोशिश की पर किसी भी हालत में उन्होंने फ़ोटो लेने नहीं दी। और सिर्फ इतना नहीं, यहाँ तक कि उनके घर के चक्कर भी काटने लगे, किसी भी तरह का कुछ ना कुछ छोटा सा क्लू मिले और ताकि उसका फ़ोटो ले ले और सोशल मीडिया हैंडल में डाल के अपने TRP बढ़ा दे, पर किसी भी तरह का कोशिश नाकाम हुआ मीडिया वालों का, जिसके चलते सिर्फ हार ही मिला। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यह है कि हमारे एक्ट्रेस तापसी पानू और प्रतीक गांधी आपको एक साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अगली पिक्चर जो है वो लड़की है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये गाना काफ़ी चला था जो सैफ अली खान का, जब ये गाना चला था और काफ़ी लोगों ने ये गाना पसंद किया, जिसके चलते उसी गाने के फर्स्ट लाइन को लेके पिक्चर का नाम रखा गया है तापसी पानू और प्रतीक गांधी, जो 1992 स्कैम पिक्चर से काफ़ी फेमस हुए हैं। ये दोनों बड़े एक्टर्स सबको एक्टिंग करते नजर आएंगे वो लड़की हैं कहाँ अगले पिक्चर में। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि आपको लारा दत्ता और प्रतीक बब्बर आपको एक साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, लारा दत्ता और प्रतीक बब्बर आपको एक साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल इंग्लिश मूवी कैशुअल का रीमेक किया जाने वाला है हिंदी में, उसी पिक्चर को लेके दोनों आपको एक साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जैसे स्टोरी इस तरह है, एक औरत है जो अपने पति से डाइवर्स ले लेती है, अपने भाई और अपने बच्चे के साथ रहती है, बस इसी तरह कहानी है जो एकदम सॉफ्ट है और एकदम नॉर्मल और फैमिली मूवी की तरह है, उसी तरह इस पिक्चर को अभी हिंदी में रीमेक किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, जो श्रीदेवी की बेटी है, उन्होंने फिलहाल हाल ही में अपने माँ का तीसरा डेथ एनिवर्सरी मनाया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने माँ का तीसरा डेथ एनिवर्सरी मनाया, जिसमें उन्होंने कुछ यादें उन्होंने याद अपने किए और अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा नोट उनके माँ ने अपने हाथ से लिखा हुआ नोट उन्होंने फ़ोटो लेके अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए, जो नोट उनके माँ ने उनके लिए लिखा था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ यादें उन्होंने अपने याद किए और अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए। जी हाँ दोस्तों, और हाल ही में उनकी एक पिक्चर जो है उसका जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ था रूही, जिसके चलते अभी काफ़ी इंतज़ार में उनके फैंस की ये पिक्चर कब रिलीज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने अभी नियो ग्रीन ड्रेस में उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किए, फ़ोटो शूट किए और अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए, जिसके चलते उनके फैंस काफ़ी पसंद करने लगे हैं और ड्रेस को और उनका हेयर स्टाइल एकदम बिल्कुल सही बैठता है उनके लिए, जिसके चलते उनके फैंस काफ़ी उन्हें दुआएं देने लगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हाल ही में हमारे एक्ट्रेस आलिया भट्ट की एक अगली पिक्चर जो है उसकी ट्रेलर जो रिलीज़ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा टीसर एक रिलीज़ हुआ था गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ दोस्तों, उसमें एकदम दमदार उनका एक्टिंग नज़र आया और सिर्फ इतना नहीं, काफ़ी उनके फैंस उनको दुआएं देने लगे और काफ़ी लोग उसे पसंद करने लगे, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स और एक्टर भी उन्हें दुआएं देने लगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा उनका एक्टिंग है इस छोटे से टीज़र में देखने को मिलता है और काफ़ी उनका जो फ़ोटो जो है काफ़ी शेयर किया गया है और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर ये है कि हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमारे एक्टर कैटरीना कैफ जो है और साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति आपको एक साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे उनकी अगली पिक्चर जो है मैरी क्रिसमस, जैसे इस पिक्चर के डायरेक्टर श्रीराम राघवन जो है काफ़ी अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, एक थ्रिलर मूवी निकालते हैं और एकदम कुछ नया हमेशा प्रेजेंट करते हैं, जिसके चलते
उनके फैंस भी काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं, कैटरीना कैफ के फैंस भी काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, एक बड़े दो बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस एक साथ एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे पिक्चर का शूटिंग जो है अप्रैल और मई के एंड में इसका शुरू हो जाएगा। इस पिक्चर की शूटिंग कुछ सीन्स जो है पुणे में शूट किए जाएंगे और कुछ सीन्स जो है मुंबई में शूट किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इतना नहीं, इस पिक्चर को अगले साल ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल सताए बारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बॉडी से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।